Good morning guys, it is day 4 in Pokhra. We are staying at this OYO room. As I said, Justin mein room available nahi the, so hum idhar aaye. Yahan pe 3 bed hai. Ye road view. There is a coffee table as well, jahan pe humne saman rakh diya and edit karte hai. And ye ek chota sa table jo pura hamara accessories and saman se bhar chuka. Nice wardrobe and a bathroom which is pretty good. So it costs around 4,000 Nepalian rupees. So काफी cheap भी है and affordable है actually. अभी यहाँ से ऊपर देखिए पूरा mountains and lake भी है, इसलिए इसका नाम है lakeside view. पबजी की याद आ गई मुझे इनको लैंड करते हुए देख के, फील्ड भी कुछ वैसे ही दिख रहा है. ऐसे नाउ आई एम लिविंग, इट्स 13, एक बज गया दोपहर का, एक बजे घूमने के लिए निकले. लेट्स सी, विल एक्सप्लोर सम प्लेसेस टुडे, स्पेशली वो पैराग्लाइडिंग वाला. 113 रुपये लीटर, 67 रुपीज़ लीटर पड़ता है. 67 इंडियन रुपीज़ में 67 है. 67 सही है रे. देखो नीचे उतर रहे यहाँ से. हम यहाँ पे आए थे सारंगकोट, एक्चुअली माउंटेन रेंज दिखते हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा विद आइस कैप, बट आज का वेदर थोड़ा और कास्टेड है सो कुछ दिखाई नहीं दिया. वहाँ पे आगे माउंटेन रेंजेस है एंड उसके ऊपर स्नो कैप भी दिखता है कभी कभी, बट टुडे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट विजिबल एक्चुअली. सो अभी यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, आगे भी बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं, घूमने हैं. सो लेट्स गो. एंड या पहले तो यहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस था जब हम यहाँ पे बैठे थे कुछ खाने के लिए, एंड सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है. आई थिंक बारिश आने वाला है, सो भागना पड़ेगा. देर हिमला व्यू पॉइंट एंड कैफे भी है. व्यू पॉइंट देखते देखते कॉफ़ी पियो, एक नंबर. अरे वो ट्रेनिंग है ये कल का, गिरने का नहीं है, गिरने का नहीं है. रीच्ड माउंटेन व्यू, हिमालयाज यहाँ से पूरा दिखता है. आज और कस्टर्ड है, क्लाउडी है, इसलिए यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, बट जब ये पूरा क्लियर स्काइज होता है सो यू कैन सी अन्नपूर्णा रेंज फ्रॉम हियर ओनली. सो सोचो कितना बड़ा रहेगा. इट्स क्वाइट प्लेजेंट ओवर हियर, 28 डिग्री सेल्सियस इज करंट टेम्परेचर. और यहाँ पे बौद्ध स्तूपा भी है वहाँ पे, दैट टॉप ओवर हियर दैट एंड इज बौद्ध स्तूपा. वहाँ पे एक्चुअली हाइक करके जाना पड़ता है, बट हमारे में अभी उतना ताकत है नहीं कि हम हाइक करके वहाँ तक जाए, सो हम ये सनसेट पॉइंट पे आए. सो वी आर हैविंग दिस ब्लैक टी, और क्या डाला उसने, नींबू क्या बोलते कार्ती डाल के. अच्छा लग रहा है, पर नॉर्मल जो ब्लैक टी रहता है वैसा नहीं है कुछ. अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा टी अलग है. चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, कुछ शॉपिंग करेंगे नीचे लेक साइड पे जाके, प्लस छोटा मोटा सामान खरीदना है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल माय लॉग हियर. कल अभी तो कुछ नहीं, बस खाना खा के सोने का. ये आज बहुत सारा आराम चाहिए बिकॉज कल सुबह उठ के हमें जाना है मस्टैंग. मस्टैंग में बहुत सारी मस्ती और मज़ा होने वाला है, सो कल का लॉग मिस मत करना.